तो गाइस अभी यहाँ पर होटल सत्कार में 20 मिनट्स का ब्रेक लिया है, तो सब लोग बाहर आ गए। 3 बस है हमारी, हाँ 3 या 4 बस है, और ये सुबह को पब्लिक है पूरी। ये देखो सभी लोग अभी चाय नाश्ता ये सब करेंगे, मतलब जिसको जो करना फ्रेश व्रेश होना हो, ठीक है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के बाद, और ये पूरा व्यू है। ओके दिस इज़ द एंट्री, यहाँ से बस आ गई, यहाँ सब निकलेगा। ठीक है, आ जाओ साहिल भाई, डीजे ध्रुव सो जितने भी मेंबर्स हैं सब लोग आ रहे हैं, आ जाओ वेलकम टू आवर कैंप साइट कैंप दिल्ली। तो यहाँ पर अभी पूरा एंट्री है, रिसेप्शन है, और सब लोग अभी यहाँ से अंदर एंट्री लेंगे, और हाथ में बैंड पहनने का है। So guys, this is the entry, ये देख रहे आप, पूरा अच्छा गार्डन मेंटेन करके रखा है, और यहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ हैं। देखते धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये अपने दोस्त लोग जा रहे हैं, सबका इंट्रोडक्शन अभी लेंगे धीरे धीरे। सो ये पूरा इंडिकेशन है, ये देख रहे आप, ए टू जेड। यहाँ पर अभी मतलब कि ब्रेकफास्ट होगा स्टार्ट में, ऑलमोस्ट अभी 10 बज रहा है, तो अभी 10:30 हो रहा है, और यहाँ पर अभी पूरा चाय नाश्ता हो, यहाँ पर तो चालू भी हो गया खाने वाला। हो गया चालू, हो गया खाना, कैसा बढ़िया, चलो भाई खाना। कैसा है टेस्ट, कैसा है अच्छा, और क्या क्या है नाश्ता टेस्ट है, चल जा ठीक है।
ये हमारी जो फर्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी है और इस हिसाब से पूरा सेटअप कर लिया मैंने एक्शन कैमरा को और पीछे पेड़ भाई है ये मतलब यहाँ से एडवेंचर एक्टिविटी चालू है ये देखो Mr. Vishwakarma. There are some other people to join us as well. You can see the queue. Oh, is going on. Show the queue. It's a huge line, you know, we almost stood here for an hour and now finally we got a chance to explore this. So guys, we did it. First ride ho chuki. Kaisa tha experience? Yeah, it was good, bro. It was fun. Kaisa tha experience? How was your experience? First ride was good. Let's ask this lady right here. How was the trip? Very nice. Was it good? तो गाइज फाइनली जितनी भी राइड थी सब खत्म कर दी. मज़ा आ गया. एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा था. और अब जा रहे हैं हम लोग पूल में. स्विमिंग पूल वो रहा सामने. जैसा कि देख रहे हो कि चेंज अप कर लिया है. मज़ा आ गया. सो यहाँ पर सब लोग फुल एंजॉय में. वाह. तो गाइज पूल पार्टी हो गई. एडवेंचर हो गया. खाना पीना हो गया. आया बहुत दबा गया. खाना बहुत ही अच्छा था. मज़ा आ गया एकदम. ठीक है तो अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे. अराउंड 3 बज गए एग्जैक्टली. 3 बजा है अब. टाइमिंग क्लोजिंग का होगा अराउंड 5-6 बजे. 6 बजे शायद निकल जाएंगे हम लोग. ठीक है फिर आप सबके रिव्यूज़ लेंगे. अभी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ चल रही है. जिसको मतलब करना हो कर सकता है. आपको मैं दिखाता हूँ हर चीज़. ठीक है और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है कि हाउ इज़ द वीडियो. ओके तो खाना पीना के बाद रिव्यू तो बाद में लेंगे. बट अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं. यहाँ पर देखो ये एक्टिविटीज चल रही है. ओए 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 गिर गए. वाह बहुत बढ़िया. सो गाइस ये देखो ये पूरा रिसोर्ट है. यहाँ पर पूल है. यहाँ पर कैंटीन है. मतलब ये सब एक्टिविटीज़ है. एडवेंचर एक्टिविटीज़ छोटी मोटी. बट मज़ा आया हर चीज़ में. नाइस. तो गाइस अभी कुछ एक्टिविटीज़ आपको बताएंगे यहाँ की. मतलब कि अच्छी अच्छी चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिए जयेश भाई से. हेलो गाइस. तो ये अपने मतलब कि ट्रेनिंग पार्टनर. मतलब कि ट्रेनिंग में साथ में थे. ऑफिस में साथ में ही हम लोग एक ही टीम में. ठीक है तो ये देखो ये सब चीज़ें हैं. ये पुराने ज़माने का इस तरीके से पॉट बनता है. सो नाम जगह का तुम्हारो नड्डू भाई. ओ सो अच्छा. सो एज यू सी कि ये मिट्टी का हर चीज़ बनता है. यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स भी है. और अभी अभी क्या बना रहे हैं अंकल? तो ये अभी मटका बन रहा है. तो देखते हैं अच्छा सा मस्त बनेगा. कितने टाइम से अंकल काम कर रहे हो? 40 वर्ष चाहिए तुमने. सो मच. वेरी नाइस.
तो अभी जैसा कि आप लोग ने देखा कि पॉट हम लोग ने देखा कि अंकल मस्त बना रहे थे, तो यहाँ पर अभी कैंटीन प्लेस पे आ गए तो चाय वाय सब मिल रही है। ओके ये देखो ये पूरा सीन है, यहाँ पर सब दोस्त लोग बैठे हैं, ये हमारे इनसे मैंने स्टार्टिंग में काम सीखा है, मीत भाई हमारे टीम वाले हैं, ये भाई आज आपसे मुलाकात हुई अच्छा लगा। आप हमारी बस में दिखे नहीं यार, हमारी बस में आए नहीं यार, आपकी बस में आना था बट चेंज हो गई बस। अच्छा ऐसा, क्या करें यार, कोई बात नहीं, इसीलिए आपसे रिव्यू लेंगे। कैसा था पूरा कैंप का सिस्टम, मजा आया? मुझे सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटीज हुई है उसमें सीरियसली काफी मजा आया। मजा आया सुबह को जो हमने एक्टिविटी की, जो कैरेबिन के साथ हम जा रहे थे, सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ नया आ रहा था जो हमें बता रहा था कि हमारी जो फिटनेस है, डे टू डे जो लाइफ हम जो रह रहे हैं और उसमें जो हमारी बॉडी फिटनेस होनी चाहिए वैसी थी नहीं। कई लोगों को ऐसा फील हुआ, कई लोगों की फिटनेस थी, उन्होंने काफ़ी जल्दी क्लियर कर लिया। यस करेक्ट, बट जब ओवरऑल देखने जाए तो काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। और लाइफ में एडवेंचर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इंसान को शौक होना चाहिए उस चीज़ का, एडवेंचर अपने आप हो जाते हैं, हर चीज़ में एडवेंचर, सीरियसली। और भाई आपका बताओ? बस लाइफ में हर एक चीज़ एडवेंचर ही है, अगर आप हर दिन एक नया कुछ ट्राई करते हो तो ऐसे ही एक्सप्लोर करो हर नई जगह को, चाहे कैंप हो कोई भी सिचुएशन हो, बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया, सभी के साथ टीम के साथ एंजॉय किया, ऑफिस के साथ पहली बार कैंप पे आया, तो लाइफ में ये मेरा पहली बार नया एक्सपीरियंस। करेक्ट, अभी थोड़ा टूर कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे किशन भाई हैं, इनकी तारीफ क्या करी जाए। ये सब हम लोग एक अकाउंट में अपने सीनियर है। तो अभी मतलब कि अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अभी ज़िपलाइन करने जा रहे हैं, पहन के जाएंगे। बढ़िया बढ़िया, यही है ना? यही है, यही है, यही काफ़ी क्यों नहीं जा रहे? तो ये रही ज़िपलाइन, यहाँ है, चलते हैं यार। सो दिस इज़ द ज़िप लाइन, यहाँ पे है और कि लंबी लाइन लगी हुई है ये सब। और मेरा सामने एंड है, मेरा वाइंड पॉइंट, मीत भाई, सब दोस्त लोग। अरे पाँव नहीं आ रहा है। वाओ नाइस। सो गाइस दिस इज द ज़िप लाइन, फेद भाई जा रहे हो, पानी पीते वाओ, तरुण जा अब तरुण भाई जाएंगे उसके बाद, बट यहाँ का व्यू क्या मस्त है, कितनी हरियाली है।